अगर आप भारत के मूल निवासी हैं और आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा जाति या बहुत ज़्यादा जुल्म या बहुत आपको प्रताड़ित है या आपकी आर्थिक हालत यानी पैसे की जो हालत है खर्चे की ये बहुत तंगी है, बहुत दिक्कत में है, आपकी शिक्षा ख़त्म है और आपके पास शिक्षा भी नहीं है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाएं जो भारत के मूल निवासियों की सभाओं में अक्सर अपने लाभ के लिए जाते हैं, आते हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा पैसे भी देते हैं, यानी कि उनको आर्थिक मदद भी देते हैं, खुद जाके सपोर्ट भी करते हैं और पीछे से उनका गुणगान भी करते हैं अपनी आज़ादी के लिए या अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए या मानसिक आज़ादी के लिए। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पे गुलाम बना सके। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, आई रिपीट इट अगेन, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लिए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा शासक, कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा तानाशाह, कोई ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम, कोई ऐसा गणतंत्र सिस्टम, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा वर्किंग प्लेस, कोई ऐसा सामूहिक प्लेस या समुदाय का स्थान या व्यक्ति या मशीन, कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है जो भारत में दुनिया में एक व्यक्ति को गुलाम बना सके। फिर भी यहाँ पर सभी लगभग गुलामों जैसी ज़िंदगी जीते हैं, तो उसका कारण बहुत पहले बताया गया है। लगभग 2600 साल पहले जब ये कारण बताया गया तो उसका निवारण भी बताया गया, यानी कि इसकी तरकीब भी बताई गई कि इससे आपको आज़ादी कैसे मिलेगी। जिन लोगों ने उस रास्ते पर चले और जिन लोगों ने उसको अपनाया वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वो ज़िंदगी जीते हैं। जिन्होंने उसको सिर्फ सिद्धांत में लिया और अमल नहीं किया, यानी सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया मगर जीवन में नहीं उतारा, वो चाहे बहुत ज़्यादा पैसा रखते हों, बहुत ज़्यादा दौलत रखते हों या दुनिया भर की ताकत रखते हों, कितने बड़े बादशाह हों, कितने बड़े वो नेता हों, कितने बड़े वो आदमी हों, कितने बड़े वो महिला या औरत हों, वो सभी गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि मनुष्य को जो गुलाम बनाया जाता है, कोई कहे कि हमें पैसा कम है, हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं, ये स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है। कोई कहे कि हमारे ऊपर कोई बंदूक लेके बैठा हुआ है, ये स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है। कोई कहे कि हमें किसी देश ने अपना गुलाम बनाया हुआ है, ये स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है। बेसिकली मनुष्य 5 चीज़ों का गुलाम बनता है पहले, तब बाद में इन चीज़ों का गुलाम बनता है। यानी किसी मनुष्य का गुलाम होने से पहले, किसी राजा का गुलाम होने से पहले, किसी नेता का गुलाम होने से पहले, किसी संगठन का गुलाम होने से पहले उसको 5 चीज़ों का गुलाम बनना पड़ेगा। अगर वो 5 चीज़ों में से किसी एक का भी गुलाम है तो 5ों का हो जाता है, और अगर वो 5ों चीज़ों से आज़ाद हो जाता है तो फिर वो किसी का गुलाम नहीं होता। पहला क्या है? पहला है झूठ बोलना। अगर वो झूठ बोलता है और वो ये सोचता है कि मैं झूठ बोलता हूँ अपने फ़ायदे के लिए, या मैं तो बाहर वाले लोगों से झूठ बोलता हूँ, या मैं तो इसलिए झूठ बोलता हूँ कि झूठ बोलने से मुझे कुछ लाभ होगा, मेरे परिवार को लाभ होगा, तो अनंत यानी लास्ट में, आखिर में झूठ नुकसान ही देता है। झूठ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सामने वाले से झूठ बोलें, अपने परिवार को सुखी करने के लिए बोलें, अपने के लिए बोलें और आप उसका लाभ आपको मिले, उसकी हमेशा हानि मिलेगी, क्योंकि झूठे आदमी की वैल्यू परिवार के अंदर भी नहीं होती। अगर आप बाहर झूठ बोलते हैं तो पत्नी ये मानती है कि मेरा जो पति है ये झूठा है, अगर ये बाहर झूठ बोलता होगा तो ये मेरे से भी झूठ बोलता होगा। बच्चे यह जानते हैं कि मेरा पिता और मेरी माता अगर बाहर झूठ बोलते हैं इसलिए कि मेरा कुछ फ़ायदा हो तो ये मेरे से भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले की कहीं भी मन से इज्जत नहीं होती। किसी काम की वजह से, किसी दबाव की वजह से, किसी कारण की वजह से कोई झूठी और मोटी इज्जत करता हो तो अलग बात है, मगर सच्ची इज्जत झूठ बोलने वाले को कभी दुनिया में नहीं मिलेगी, उसके परिवार में भी नहीं मिलेगी। दूसरा है अकारण किसी की हत्या करना। मानसिक हत्या, सामाजिक हत्या या आर्थिक हत्या,
यानी किसी की आप इज्जत की हत्या करें, या किसी के पैसे को खा जाएं, या किसी के मान सम्मान को खा जाएं, या किसी की सामाजिक स्थिति को खा जाएं, या किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करें, मारें, या जान से मार दें, या किसी जीव को मार दें। अकारण अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे तो वो आपके मन में एक इम्प्रिंट बनाता है, एक फाइल बनाता है, एक फोल्डर बनाता है, जहाँ से बीमारी शुरू होती है। बीमारी तभी शुरू होती है जब आप नेचर के अगेंस्ट में कोई काम करेंगे, और वो जो फाइल है वो आपको चैन से रहने नहीं देगी। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं और जाके कहें कि मैंने फलाने आदमी को मारा, या फलाने आदमी को दबाया, या उसका मैंने पैसा मार लिया, आपका परिवार भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। और अगर आपका परिवार आपकी इज्जत कर रहा है इस काम के लिए, तो आपका परिवार करप्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उस परिवार में और आप में कोई अंतर नहीं है, वो सारे के सारे एक तरह से दोषी हो चुके हैं, दोषपूर्ण हो चुके हैं, और वो सारे के सारे अवीची नरक में जाने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। यानी कि उन्हें कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा, मरते मरते भी और मरने के बाद भी अच्छा जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं होगा। बुद्ध की थ्योरी है, फिर कभी बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आप तीसरा कारण है, अगर आप व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार का मतलब है कि अपने मन में, अपने शब्दों में और अपने कर्म में, अगर आप किसी के भी प्रति, किसी चीज़ के प्रति भी दोषपूर्ण वर्ताव रखेंगे, व्यवहार खराब रखेंगे, तो अनंत वो आपको नुकसान देगा। आपका शरीर तो खराब होगा, आपका मन भी खराब होगा, आपकी वाणी भी होगा, और अगर आप किसी को बताएंगे भी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। जिसके लिए आप लाभ दे रहे हैं, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे पत्नी है, या माता पिता हैं, या रिश्तेदार हैं, उन्हें भी अगर ये पता चलेगा कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका मन कपटपूर्ण है, वो आपसे लाभ तो ले सकते हैं, वो आपसे मौका परस्ती का फ़ायदा तो उठा सकते हैं। अनंत वो भी ठीक नहीं है और आप भी ठीक नहीं है, ये दोनों ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से जो लाभ लेता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई है, मगर दोनों ही चोर होते हैं और चोरों को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। चौथा कारण है, बिना दिए किसी की वस्तु को नहीं लेना। यानी कि दुनिया में चाहे कितनी भी कीमती कोई चीज़ पड़ी हो, अगर वो आपके अधिकार की नहीं है, आपने वो मेहनत करके नहीं कमाई है, वो आपकी नहीं है और किसी ने आपको दी नहीं है, तो आप उसको ले नहीं सकते। प्राकृतिक चीज़ है और कोई किसी का आधिपत्य नहीं है, आपका राइट है। जैसे समुद्र का पानी है, नहर का पानी है, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये किसी की नहीं है। ज़मीन है, आप रहते हैं, हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, आपने खुद अगर खेत पर मेहनत की है और आपका फल है, आप खा सकते हैं, मगर किसी और का खेत है तो नहीं। मगर अगर किसी का खेत नहीं है और वो सार्वजनिक है, तो आपका राइट उसमें बनता है। तो बिना दिए कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, तो वो जो व्यवहार है उसको चोरी बोलते हैं। और चोरी से खाई हुई चीज़ या ली हुई चीज़ आजमा लीजिए कि चोरी का कोई सामान अगर आप घर में लाएंगे तो वो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि वो एक फाइल बनाता है, वो एक फाइल बनाता है शरीर के अंदर कि ये सामान तो चोरी का है, और वो फाइल एक बीमारी धीरे धीरे क्रिएट करती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, या पैरालिसिस हो सकता है, या बहुत सारा जो मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, जिसको नर्वस सिस्टम बैकग्राउंड बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है, बल वो फाइल अपना काम लगातार करती रहेगी। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि किसी भी प्रकार का नशा या नशे जैसी बातें नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो आप किसी के भी गुलाम हो जाएंगे। प्रमुख नशों में जो आता है वो आता है जैसे शराब, गांजा, चरस, अफीम, भांग, ये आता है। ये ड्रग्स होती हैं, इनको खाते ही जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है सही रूप में, और जो खराब रूप में है उसको तेज कर देती है। यानी कि नशा जैसे ही आप लेंगे, वैसे ही आपके अच्छी वाली जो फाइलें हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, वो दब जाती हैं, और जो आपकी कुकृत्य वाली हैं, या जो दोषपूर्ण हैं, या जो बहुत ज़्यादा बेकार फाइलें हैं, जो हमेशा पाप वाली फाइलें हैं, खराब फाइलें समाज में मानी जाती हैं या प्रकृति में, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और आप वही काम ज़्यादा करते हैं। शराबी आदमी को परिवार में कोई पसंद नहीं करता, रिश्तेदारी में कोई नहीं पसंद करता। चार दोस्त अगर लगातार शराब पीते हैं तो वो अपने घर किसी को लेकर नहीं जाते, वो खुद अच्छे बने रहते हैं और कहते हैं ये तो शराबी है, इसको घर में नहीं बैठाना है, ये तो बहुत शराब पीता है, गंदा आदमी है। खुद को नहीं देखते, मगर उसको वो अपने पास नहीं बैठाते, ना ही उसको संबंध रखते हैं। सिर्फ शराब पीने का संबंध है, उसके बाद में कोई संबंध नहीं है। और शराबियों में रोज़ झगड़े होते हैं, क्योंकि शराब पी के नेगेटिव चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं। कोई भी आदमी, कोई भी अगर सत्ता, कोई भी शासक, कोई भी अगर समूह या संगठन या कोई व्यक्ति
या कोई भी व्यापारी या कोई भी दुकान का मालिक या कोई भी राजगीर चलता हुआ कहीं भी अगर आपको गुलाम बनाएगा या आपको नुकसान करेगा तो पहले ये पांच चीज़ आपके अंदर डालेगा। आपको चोरी सिखाएगा, आपको व्यभिचार सिखाएगा, शराब सिखाएगा, नशा सिखाएगा। नशे में ये भी आता है कि वो किसी चीज़ का आपको एडिक्ट कर दे या आपकी आदत बिगाड़ दे, जैसे खर्चा बहुत करा दे आपसे, या आपको नए कपड़ों की आदत डाल दे, या आपको नए सामान की आदत डाल दे, या आपको मोबाइल की आदत डाल दे। ये सब चीज़ें भी नशे में आती हैं, तो वो आपको किसी ना किसी चीज़ की आदत डाल देगा, नशा डाल देगा, या वो आपका व्यवहार खराब कर देगा, आपकी इज्जत ख़त्म कर देगा, या वो आपको बहुत ज़्यादा हत्या करना या किसी का नुकसान पहुंचाना, मानसिक हत्या करना, ये सब आपको सिखा देगा, या वो आपको चोरी, जो भी चीज़ें हैं ये सब पहले वो पांच चीज़ें आपको अच्छी तरह से आपके अंदर डालेगा। जब आप इन पांचों चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे तो फिर आप निगाह उठा के किसी की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक रूप से आप करप्ट हो गए। फिर आप गुलाम बनते चले जाएंगे अपनी इन कमियों और इन आदतों के कारण। इसलिए मैंने कहा, जो भगवान बुद्ध ने बताया और जो धर्म में बताया गया है कि व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता, वो अपनी इन आदतों का गुलाम बनता है, तब वो सबका गुलाम बनता है। जिसको आज़ाद होना है, जिसको देश की तरक्की में आगे बढ़ना है, जिसको अपने देश से प्यार है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, दुनिया को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको ये पाँच चीज़ें छोड़नी चाहिए और पंचशील का सिद्धांत अपनाना चाहिए। पंचशील का मतलब है पाँच ऐसी अच्छी बातें जो आपकी दुनिया में नाम भी देंगी और आपको आज़ाद भी रखेंगी और आपके देश को भी आज़ाद रखेंगी और देश को वो आगे बढ़ाएंगी। अगर देश के सारे लोग इन सब बातों में आ जाएंगे तो पूरा देश गुलाम हो जाएगा और फिर जो विदेशी लोग हैं वो हम पे आके कब्जा कर लेंगे। कब्जा करने का तरीका आजकल बदल गया है। मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं, वो यहाँ से पैसे कमाती हैं और ले जाती हैं। ये तरीका पूरी दुनिया में आजकल चलता है। कोई किसी को बंदूक की नोक पे कब्जा आजकल नहीं करता। अगर आप मानसिक गुलाम हैं तो आप किसी न किसी के कब्जे में हैं। इससे बचने के लिए आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, आपको चोरी छोड़नी पड़ेगी, आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, आपको व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा और आपको अकारण हत्या छोड़नी पड़ेगी। धन्यवाद।